हम आपको सलाम पेश करना जा रहे हैं। आपने तो आज हमारा दिल खुश कर दिया है, आप कानून क्यों नहीं तोड़ते? लोगों की बातें सुन रहे अपने आप पे वोटिंग करवाने की क्यों करें? हम कानून के मुहाफिज हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? लोगों के लिए भलाई करता है, लोगों के लिए अच्छा सोचता है, तो खुद ब खुद रास्ते बनते जानते हैं। आप एक डिसिप्लिन की बहुत बड़ी अलामत है। बिल्कुल जी, हमारे आई मैं सर आपको सलूट करता हूँ। हमारे आई असलम के नाजिन आप देख लें उर्दू वायरल और मेरा नाम यासर शमोन खान है। आज तक आपने पुलिस के खिलाफ ही प्रोग्राम देखे होंगे, लेकिन ये पुलिस अफसर आप देखें कि बाकायदा तौर के ऊपर गर्दी में मलबूस है। और करीब करीब अगर मेरा कैमरा मैन तो आपको मैं बता सकता हूँ कि हेलमेट भी पहना हुआ, नंबर प्लेट भी है और मुकम्मल यूनिफॉर्म्ड आदमी है। आजकल के दौर में ऐसे यूनिफॉर्म्ड पर्सन अगर हमें मिल जाए और कानून और कायदे के मुताबिक बाकायदा अपनी नौकरी करें तो मेरे ख्याल में ये माशरा ना सिर्फ सुधर सकता है बल्कि बहुत सी मुश्किलें मुसीबतें दूर हो सकती हैं। इनको आगे जाएंगे, रोकेंगे, सलूट करेंगे, क्योंकि ये इतना एक महजब और खूबसूरत आदमी लग रहा है, मुझे अच्छा ही बड़ा लग रहा है कि इतना वेल ड्रेस पुलिस ऑफिसर। आप देखें जरा, आप देखें कि उसको अपनी जिंदगी भी अजीज है, नंबर प्लेट भी मौजूद है, उसका यूनिफॉर्म भी पूरा है। और आजकल के दौर में पुलिस ऑफिसर अगर इस तरीके से बिहेव करें। अस्सलाम वालेकुम सर, हम आपको सलूट करने के लिए मोटरसाइकिल चला रहे हैं, एक मिनट रुके, हम आपको सलाम पेश करना जा रहे हैं। आपने तो आज हमारा दिल खुश कर दिया है, अल्लाह की कसम। मकसूद भाई अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? ये देखिए नाजरीन के हेलमेट भी पहना हुआ है, शूज भी प्रॉपर साफ है, वर्दी भी मुकम्मल है, नेम प्लेट भी लगी हुई है, नंबर प्लेट भी लगी हुई है। आप क्यों नहीं कानून तोड़ते? आप कानून क्यों नहीं तोड़ते? क्या जरूरत लोगों की बातें सुनने की, अपने आप पे वोटिंग करवाने की क्यों करें? हम कानून के मुहाफिज हैं, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मुझे इतनी खुशी हुई है मकसूद भाई कि आप सिंबल ऑफ फोर्स हैं, आप एक डिसिप्लिन की बहुत बड़ी अलामत है। बिल्कुल जी, हमारे आईजी मैं सर आपको सलूट करता हूँ। हमारे आईजी साहब खुद बहुत ज्यादा हमारे लिए काम कर रहे हैं। उस्मान अनवर तो एक नहायत डेकोरम वाले पुलिस अफसर है ना, वो तो एक नहायत डिसिप्लिन्ड आदमी है। आपका बॉस भी रहे हैं ऋषा जी स्पेशल ब्रांच, और अब मैं आईजी कॉम्प्लेक्स में ड्यूटी करता हूँ, तो वहाँ पर भी वो हमारे। लेकिन हम दूसरे पुलिस अफसर देखते हैं कि उन्होंने नजायज पिस्टल भी लगाया होता है, उन्होंने नंबर प्लेट भी नहीं लगाई होती, हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते। बहुत कम ऐसा होता है। नहीं, बहुत सारे नहीं, आप जैसे बहुत कम है। नहीं जी, इंशाल्लाह ताला मेरे जैसे बहुत बेशुमार हैं। जी यानी कि आपके अंदर खुद ही चीज पैदा हुई है कि मैंने डिसिप्लिन को वायलेट किया। बड़ा शौक है साफ सुथरी वर्दी हो, ये आपका यानी कि पर्सनली शौक है जी। तो ये तो फोर्स के भी बका है। फोर्स की बका है, बिल्कुल फोर्स की, माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह सब। अब जो जितने भी जवान है आप देखें, हर किसी ने प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना हुआ है, पुलिस की नौकरी में खुश है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों का रिज़्क हलाल पूरा हो जाता है, अल्लाह का बहुत एहसान है, मगर हालात मुश्किल हो जाती है, बच्चे पढ़ते हैं। जी जी, मेरी माशाल्लाह बेटी बीएस बायोटेक्नोलॉजी कर रही है, एक बेटी एफएससी कर रही है, एक बेटा 9th में है, एक बेटा 7th में है, एक को बिजली का करंट लगा था, उससे झटके आए थे, वो नहीं पढ़ पा रहा क्योंकि अब 5 साल मेडिसिन लिया उसने। अल्लाह ताला उसे जिंदगी दे, आमीन। हमारी बड़ी दुआएं हैं। आपने तो दुनिया में रहते हुए हज कमा लिया, अपनी बच्चियों को पढ़ा लिखा लिया। बस जी, ये मेरा कोई अमल नहीं, ये अल्लाह का काम है, अल्लाह जिसके साथ बेहतर करता है बेहतर ही होता जाता है, और जो लोगों के लिए भलाई करता है, लोगों के लिए अच्छा सोचता है, तो खुद ब खुद रास्ते बनते जानते हैं। यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि आपका एक्सपीरियंस ये है कि नीयत का साफ होना जरूरी है। नीयत का साफ होना जरूरी है, और आप लोगों के लिए रास्ते साफ करें, अल्लाह आपके लिए करता जाएगा। यानी कि आप सर्व करें, डिलीवर करें, तो ऑटोमेटिकली आपके रास्ते भी बनेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह। ये वो खुदा की सिफत है जो मकसूद भाई ने अपनाई हुई है, और आज एक परफेक्ट और एक बड़ी मुकम्मल जिंदगी गुजारे हैं, अल्लाह नजरे बद से बचाए। कितनी उम्र हो गई मेरी? माशाल्लाह 47 है। 47 का भी मैं हूँ और 47 की है, मैं 11 जून को हो जाऊंगा। और ये सेहतमंद तंदुरुस्त है, अल्लाह का अल्लाह ताला जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती उसी की देन है। लेकिन इसमें बहुत बड़ा अमल इंसान की अपनी कारकर्दगी और अपनी सोच का भी होता है। अगर वो ज़ाता फौजदारी के मुकम्मल एहतराम में रहे और उसके दायरा कार में रहे, तो मेरा नहीं ख्याल के कोई जुर्म हो सकता है। नहीं जी, मैं उन पुलिस अफसर के बारे में जो नहीं यूनिफॉर्म रहते, जो उनका बिहेवियर अच्छा नहीं है, जिनकी बाइक के ऊपर नंबर प्लेट नहीं होती, जो हेलमेट पहनना पसंद नहीं करते, मैं मकसूद भाई आप
बड़े पुलिस अफसर हैं, मैं चाहता हूँ कि आप उनको मैसेज दें। जी जरूर, क्यों नहीं, अल्लाह के हुक्म से वो सब ईमानदारी से अपना काम करे। जिस तरह आई जी साहब हमारे लिए वेलफेयर और हर किस्म की फेवर दे रहे हैं, उसी तरह हमें आवाम को देना चाहिए। कौन कहता है कि अच्छा काम नजर आएगा तो यासर शमून उसे वायरल नहीं करेगा। मैं ना सिर्फ उसे वायरल करूंगा बल्कि हर घर तक पहुंचाऊंगा। इंसान अपने अमल के साथ बड़ा बनता है। आज मकसूद भाई ने अपनी वर्दी, अपने यूनिफॉर्म, अपने हेलमेट, अपने बकायदा मोटरसाइकिल के इशारे, हर चीज को सामने मरहूज़े खातर रखते हुए आज ये बात साबित कर दी है कि वतन अजीज पाकिस्तानी, बिलखसूस जो पाकिस्तान का दिल पंजाब है, उसकी पुलिस है जो, उसमें आज भी डिसिप्लिन मौजूद है, उसमें नज़्म व ज़ब्त मौजूद है और उसका मुंह बोलता सबूत बजाते खुद हैं। हम इनको सलूट भी करते हैं और आप लोगों से इनके लिए और हमारी पुलिस के लिए दुआ की इल्तिजा भी करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।